अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल राइडर गियरअप के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारी लोकेशन है LS2 हेलमेट सेंट्रल मॉल, जो कि सदर में वाके है, गुल प्लाजा के बैक साइड पे। और आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग दो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं आपकी खिदमत में, जो कि हैं हमारे ग्लव्स। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम अपने दो LS2 के जो ग्लव्स हैं उनका रिव्यू आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो स्ट्रेट अवे। और जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है जी LS2 का रे ग्लव्स, रे मैन ग्लव्स। ये कम्प्लीटली टेक्सटाइल मटेरियल में बना हुआ है। ये है जी फॉर समर, ये समर के लिए कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसके कम्प्लीटली जो जो उसका पूरा फैब्रिक है, ये पूरा का पूरा मैश फैब्रिक है। बहुत ज़्यादा चल रहे हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्लव्स, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर इस टाइम पे। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये पूरे का पूरा ब्रीथेबल, मतलब पूरा जो है ये वेंटेड है, तो इसमें आपको बिल्कुल कतन गर्मी नहीं लगती है। दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जी ये टच स्क्रीन कैपेबल है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो पूरा मटेरियल है ये मैश में बना हुआ है, इसके अंदर जो है ये वेलक्रो एडजस्टमेंट है, ठीक है। वेलक्रो से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं डेली रूटीन राइड्स में, या जो समर राइड्स हैं उनके अंदर ये बहुत ही कामयाब ग्लव्स हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। और पिछले 2 साल से हम इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ये। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके इनसाइड, जो कि इसका पाम साइड है, पाम साइड पे ये जो रबर ग्रिप है ये आपकी जो थ्रॉटल पे ग्रिप है इसको बनाए रखती है। अच्छा, थोड़ी बहुत ये सेफ्टी भी देता है। वैसे जो ये ग्लव्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स या इस तरह एग्रेसिव ग्लव्स नहीं है कि जिनको आप बड़े से बड़े इवेंट्स में यूज कर रहे हैं, टूरिंग पे यूज करो, ये डेली रूटीन ग्लव्स हैं। इनके अंदर जो है ये प्रोटेक्शन है। अच्छा, नकल्स पे जो इसकी प्रोटेक्शन है वो भी फोम्ड है इसके ऊपर, और ये CE लेवल 1 सर्टिफाइड ग्लव्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है इसके ऊपर, मतलब आप बहुत खूबसूरत सा एक LS2 का लोगो बनाया गया है जो कि एक अच्छा टच दे रहा है ग्लव्स को। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट लगाया गया है फॉर द ग्रिपिंग फॉर द ऑफ द थ्रॉटल, और ये एक अच्छी चीज़ बनाई गई है इस तरह से कि ये एक डेली रूटीन ग्लव्स है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मटेरियल नहीं भरा हुआ, ताकि जो है आप लोग एक एवरीडे जो राइड है इजीली कर सकें। तो जी, इसकी जो प्राइस है वो है अभी फ़िलहाल 5,500 रुपये मार्केट में, स्मॉल से लेके 3XL साइजेस तक ये अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जी LS2 स्पार्क मैन ग्लव्स। ये जी लेदर ग्लव्स हैं, LS2 के स्पोर्ट्स ग्लव्स हैं ये रेसिंग बाइक्स के लिए यूज होते हैं, या स्ट्रीट रेसिंग या ट्रैक रेस ग्लव्स हैं ये। ये LS2 का सबसे कामयाब मॉडल है लेदर ग्लव्स में। ये 95% काउहाइड लेदर से बना हुआ है, काउहाइड से। इसके जो बेहतरीन पार्ट है, जो इसके प्रोटेक्शन है, ये कार्बन और केवलार नकल्स हैं, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन है इसके अंदर। CE लेवल 1 सर्टिफाइड है अगेन ये भी ग्लव्स, जो बहुत अच्छी बात है। लेदर ग्लव्स आपको पता है हमेशा हॉट होते हैं। इसके अंदर जो इन्होंने परफोरेटेड लेदर रखा है, जो इसके एयर फ्लो हैं, जो ये आप देख सकते होंगे अगर कैमरा दिखा रहे, ये परफोरेटेड इसके हैं, यहाँ से भी एयर जो है ये इंटेक करता है। इसके अलावा ये जो PU वेंट्स इसके बनाए गए हैं, यहाँ से भी ये एयर इंटेक करता है फिंगर के ऊपर, यहाँ से PU वेंट से, ये जो है प्लास्टिक वेंट्स हैं, यहाँ से ये एयर इंटेक करता है, और अंदर के साइड पे लेदर के अंदर परफोरेशन रखी गई है ताकि जो है ये एयर इंटेक करे। पाम के ऊपर बहुत खूबसूरत सा LS2 है, और ये पाम के ऊपर जो है प्रोटेक्शन भी है, लेदर है पूरा पार्ट, ये लेदर है, मतलब अगर आपका क्रैश होता है खुदा ना खास्ता, आपका हाथ जो है वो ज़मीन पर रगड़ खाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दी गई है। अगेन मैं आपको बताऊं कि ये 95% ओरिजिनल काउहाइड लेदर है, मतलब ये कोई बिल्कुल ऑर्डिनरी ग्लव्स नहीं है। जो इसकी वेलक्रो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे कफ पे, वो भी इसमें वेलक्रो रखी गई, कोई बटन कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बहुत इजीली जो है आप इसको पहन सकते हैं, उतार सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है, मैं अपनी पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ LS2 ग्लव्स की, जो कि आप दोनों मॉडल्स में देख रहे हैं, जो ये फिंगर्स जो है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में है, मतलब फिंगर्स कहीं से ऊपर से चकोर नहीं हो रहा, कहीं से गोल नहीं हो रहा, बेहतरीन फिटिंग के अंदर LS2 का ग्लव आता है। जो यही बात है जो लोग LS2 के ग्लव्स को पसंद करते हैं मार्केट में,
जो मेरे हाथ में पहना हुआ ग्लव्स है ये LS2 स्पार्क मैन ग्लव्स है, ये भी मीडियम से 2XL साइजेस में हमारे पास अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 11,000 रुपीज आज, ठीक है। अच्छा, जो LS2 रे मैन ग्लव्स है, मैं आपको इसको भी एक दफा दोबारा दिखा दूं कि किस तरह से इसकी जो फिंगर्स हैं, सेपरेट सेपरेट फिंगर्स जो हैं वो दिख रही हैं इसके अंदर, और सबकी सब एक पोजीशन में है। मतलब अगर आप कोई लोकल ग्लव्स मार्केट से लेते हैं तो उनकी जो फिंगर्स होती है ना, टिप्स जो इम्पोर्टेंट नोट करने की चीज है, वो फिंगर टिप्स जो है वो हर फिंगर दूसरे से अलग होती है। जो इसके अंदर भी इन्होंने ये चीज दी है जी, ये टच स्क्रीन कैपेबल है, वाइल्ड राइडिंग आपको ग्लव्स उतार के और जो है इसको पहनने की और फिर मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको ऑन पोजीशन में पहने हुए आप मोबाइल इजीली यूज कर सकते हैं, कोई भी टच स्क्रीन मोबाइल आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो इसके इनसाइड यहाँ पे आप देखें, थ्रॉटल पोजीशन पे भी एक एक्स्ट्रा पैच लगाया गया है लेदर का, जिसकी वजह से वही मैंने आपको पहले बताया था रे ग्लव्स में भी था और जो स्पार्क में है, ये भी एक लेदर का पैच है जो कि आपके थ्रॉटल को कंट्रोल करने के अंदर आपकी हेल्प करता है और इजी रहता है। अच्छा, जो इसका पूरा थंब पार्ट आपको देख सकते होंगे, अगर कैमरा करीब करके दिखा दे कि जो इसका थंब पार्ट है ये पूरा परफोरेटेड है, मतलब यहां से भी एयर अच्छी खासी एयर इनटेक होगी। ये 3 सीजन ग्लव्स होता है, इसमें समर और जो है स्प्रिंग और ऑटम ग्लव्स है, ये जो है विंटर ग्लव्स नहीं है, वाटरप्रूफ नहीं है दोनों ग्लव्स जो मैं अभी आज आपको रिव्यू लेकर आए, ये दोनों ग्लव्स वाटरप्रूफ नहीं है, ये 3 सीजन ग्लव्स हैं। और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा था, स्पार्क मैन ग्लव्स जो है वो इस तरह की पोजीशन में है, मैंने आपको बताया कार्बन नकल्स हैं, केवलार नकल्स हैं, बहुत ही स्पोर्टी लुक है, शॉर्ट साइज में बनाए गए हैं, कोई बड़े बल्की से ग्लव्स नहीं है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का रिव्यू पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक वीडियो के साथ और एक रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।